हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। हम बात कर रहे थे सीयू सेट 2020 के क्वेश्चन पेपर का, उसके आंसर की और उसके सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन का। पार्ट ए मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो यहां पे जो आपका लिंक आया यहां पे आप क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर की हम बात करते हैं पार्ट बी सेक्शन का, जहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस हैं और ये आपका डोमेन नॉलेज से बिलोंग करता है। यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चन हैं, 75 मार्क्स वाले। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कंसीडर्ड एज सेल विद इन अ सेल। कह रहा है इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल है आपका, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम कंसीडर करते हैं एज सेल विद इन अ सेल इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। टॉपिक ये आपका आया है साइटोलॉजी इवोल्यूशन, दोनों जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। आप जब इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे ये बताया गया है, जो आपके आज के यूकैरियोटिक सेल हैं ये पहले प्रोकैरियोटिक माइक्रोब ही थे। ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो अमीबा लाइक थे पहले, और फैगोसाइटोसिस के जरिए ये क्या होगा, इसमें सारे जो आपके आए हैं ये ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दूसरे थे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोई बैक्टीरिया था जो एरोबिकली रेस्पिरेशन करता था, क्लोरोप्लास्ट जो था वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था। वो इंगेस्ट किया गया अंदर और उसके बाद वो उसका जो वो है सेल वॉल वगैरह वहाँ पे लॉस होता है, और ये क्या होता है इस जो सेल के अंदर आता है, स्टैब्लिश्ड होता है, सिम्बायोसिस होता है। उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया थे जो आज हमारे ऑर्गेनेल के रूप में जाने जाते हैं, ये पहले अलग ऑर्गेनिज्म थे। तो ये एक तरीके से सेल विद इन सेल है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सेल विद इन सेल इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको पता है जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल नहीं होता है। तो जो दो हमारे ऑर्गेनेल हैं क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, तो हमारे पास कॉमन क्या है बचा दोनों में से, एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हम जाएंगे, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। पूछा है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द ग्लाइकोलिपिड्स आर लोकेटेड एट। कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं कहाँ पे रहते हैं, आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर लेयर, या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं या असिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं दोनों लेयर्स में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, जो आपका ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, मींस लिपिड विथ कार्बोहाइड्रेट पार्ट लिंक्ड टू इट। ये हमेशा जो है जो आउटर लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मतलब सेल के बाहर की तरफ वाला, वहीं पे ये रहता है। ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं ये यूजली आपको देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये अब्सेंट आपको मिलेगा कहाँ पे, अब्सेंट रहता है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट लैमिनी में, और जो भी इंटरनल इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट है वहाँ पे ये अब्सेंट रहता है। और ये जो ग्लाइकोलिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जैसे मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के साइड ही निकला हुआ रहता है, और ये हेल्प करता है जो वेरियस कंपोनेंट हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, उससे ये इंटरेक्शन में हेल्प करता है, जैसे कि लेक्टिन्स हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स हो गया, एंटीबॉडीज हो गई। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में तो लेहनिंजर का जो बुक है वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए, द आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स ड्यूरिंग, ये काफी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछा है जो सिंथेसिस होता है आपका डीएनए का, ये सेल साइकिल के किस फेज में होता है। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे आपको पता है जो सेल साइकिल होता है वहां पे डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। जी1 फेज होता है, ग्रोथ 1 फेज, फिर एस फेज जो आपका होता है सेल साइकिल का, वहीं पे आपका डीएनए सिंथेसिस होता है। उसके बाद ग्रोथ जो है ग्रोथ फेज सेकेंड आता है, और फिर आपका आता है एक्चुअल डिवीजन फेज, जहाँ पे आपका माइटोसिस या मियोसिस होता है। तो साइटोलॉजी में आप ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो डीएनए का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, एस फेज में, एस के नाम पे ही सिंथेसिस फेज, डीएनए सिंथेसिस के नाम पे इसका पड़ा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, एस फेज मीन्स सी।
क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। पूछा है साइटोस्केलेटन्स किससे रिप्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट से, लाइपोप्रोटीन फिलामेंट से, ग्लाइकोप्रोटीन फिलामेंट से या प्रोटीन फिलामेंट से। तो आप जब साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वहाँ पे आपको मेनली तीन टाइप के साइटोस्केलेटन मिलेंगे, एक्टिन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और ये जो सारे आपके साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स हैं ये प्रोटीन सब यूनिट के पॉलीमर्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका 29 का, डी प्रोटीन फिलामेंट्स। ये टॉपिक आया आपका साइटोलॉजी से। 30 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, कह रहा जब ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ये इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये बाई राइबोसोम, तो हम जानते हैं कि राइबोसोम से ही आपका ट्रांसलेशन होता है, लेकिन किसका ये इंफॉर्मेशन यूज करता है, डीएनए का, टीआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का या आरआरएनए का। तो ये आपका बहुत इजी था कि जो राइबोसोम्स हैं वो मैसेंजर आरएनए पे लगते हैं और मैसेंजर आरएनए के इंफॉर्मेशन को ये रीड करके उससे पॉलीपेप्टाइड का सेंसेस करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय राइबोसोम यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन मैसेंजर आरएनए। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। ये देखिए इसका फिगर है, यहाँ पे जो डीएनए है आपका वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज लगता है, पहले प्री मैसेंजर आरएनए निकलता है जहाँ पे इंट्रॉन्स एग्जॉन दोनों होते हैं, फिर इंट्रॉन का स्प्लाइसिंग होता है, एग्जॉन आपस में जोड़े जाते हैं, फिर उससे आपका मैसेंजर आरएनए बनता है, मेच्योर मैसेंजर आरएनए। और यही जो मैसेंजर आरएनए है आपका, इस पे राइबोसोम्स लगते हैं, वो यहाँ पे कोडॉन को इसके रीड करते हैं और टीआरएनए की मदद से ये पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ईस्ट, कह रहा है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है ईस्ट में तो टेम्पलेट कौन सा स्ट्रैंड होता है जिसको हम यूज करते हैं, सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड या नन ऑफ द अबव। तो अगर आप देखेंगे ईस्ट के बारे में तो ये ईस्ट जो होते हैं यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो एंटीसेंस इसमें बोला जा रहा है वो एक्चुअली नॉन कोडिंग डीएनए होता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उससे मैसेंजर आरएनए बनता है, लेकिन डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है तो जो उससे मैसेंजर आरएनए बन रहा है वो एक ही स्ट्रैंड का एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो जो डीएनए का, जैसे यहाँ पे ये फिगर आप देखिए, ये डीएनए का पोर्शन, ये जो डबल हेलिक्स था ये खुला और एक पे ये आपका मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बनता है। तो एक तो ये हो गया जो टेम्पलेट की तरीके से काम कर रहा है, इसको हम एंटीसेंस बोलते हैं, एंटीसेंस या टेम्पलेट, ये एंटीसेंस स्टैंड होता है। और जो आपका ये मैसेंजर आरएनए बनेगा ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट होगा, केवल बेसिस चेंज रहते हैं, इसलिए इसको सेंस स्टैंड बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज टेम्पलेट, कह रहा है टेम्पलेट का मतलब किसको यूज किया जाता है, सेंस को या एंटीसेंस स्टैंड को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी होगा, एंटीसेंस स्टैंड को। एंटीसेंस स्टैंड ही हमेशा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एंटीसेंस स्टैंड ही हमेशा टेम्पलेट की तरीके से काम करता है और ईस्ट है आपका यूकैरियोटिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी एंटीसेंस स्टैंड। 32 पे चलते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन ई कोलाई फॉलोज, कह रहा है जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है ई कोलाई में वो कैसा रिप्लिकेशन होता है, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, कंजर्वेटिव या सभी। तो इसमें से करेक्ट आंसर है आपका ए, डीएनए रिप्लिकेशन जो ई कोलाई में होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल वाला होता है। अगर आपको याद हो कि आपने मिजल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट देखा था, तो उन्होंने जो कल्चर किया था वो ई कोलाई बैक्टीरिया को ही किया था, उन्हीं का जो उन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड का होता है, उनका एक्सपेरिमेंट ही पूरा ई कोलाई पे बेस्ड है। तो अगर आपको मिजल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट याद होता तो ये आराम से आप पहला लगा के आते। ओके, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल में होता क्या है, जो आपके डीएनए के दो ओरिजिनल स्ट्रैंड होते हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री हाफ्स होते हैं डीएनए हेलिक्स के, वो रेप्लिकेशन में सेपरेट होते हैं और दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरीके से काम करते हैं, दोनों पे नए डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं। मतलब जो नया आपका सिंथेसाइज डबल हेलिक्स होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एक ओल्ड का और एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड का। तो ए
ही करेक्ट है। 33 पे आते हैं, डीएनए इज कंसीडर्ड एज जेनेटिक मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स, कह रहा है डीएनए जो होता है उसे हम जेनेटिक मटेरियल क्यों मानते हैं, बिकॉज ये ऑटोकैटालिटिक होता है या इसमें हेटरोकैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है, म्यूटेटेबिलिटी होती है या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सभी प्रॉपर्टी जो है डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बनाता है। एक तो सेल्फ रिप्लिकेबिलिटी का आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन, सेल्फ रिप्लिकेशन इज एनी बिहेवियर ऑफ अ डायनेमिक सिस्टम दैट यील्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइडेंटिकल और सिमिलर कॉपी। जो ये आपका डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, अपना कॉपी बनाने की जो एबिलिटी होता है, ये इसका ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। और अगर हम बात करेंगे हेटरोकैटालिटिक प्रॉपर्टी का, जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक, क्योंकि डीएनए जो होता है ये रिएक्शन करके मैसेंजर आरएनए बनाता है, तो ये इसका जो प्रॉपर्टी हुआ, जो एक्सप्रेशन करने की इसकी प्रॉपर्टी है, ये हेटरोकैटालिटिक प्रॉपर्टी हुई। और जो म्यूटेटिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि म्यूटेशन जो है बायोलॉजिकली एडवांटेजियस भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि म्यूटेशन पूरी तरीके से खराब होते हैं। तो अगर म्यूटेशन नहीं होता तो सभी इंडिविजुअल एग्जैक्टली सेम दिखते, ठीक, और वो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें अडाप्ट नहीं हो सकते। इसीलिए जो आप देखेंगे जो हमारे जेनेटिक सिस्टम का डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम है, इसीलिए बना है, म्यूटेशन वहाँ पे अराइज होते हैं और म्यूटेटेबिलिटी जो होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक, जिससे वेरिएशंस आते हैं हमारे डीएनए में। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी आपका। 34 पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब है जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, उसके बाद ट्रांसलेशन भी हो जाए, फिर उसके बाद जो पॉलीपेप्टाइड बने या ट्रांसलेशन, हाँ, जो आपका पॉलीपेप्टाइड बने उसमें मॉडिफिकेशन कौन सा ट्रांसलेशन के बाद वाला प्रोसेस है। तो आपको पता है इंट्रॉन स्प्लाइसिंग कब होता है, जब पहला जो मैसेंजर आरएनए बन के आता है न्यूक्लियस से, वहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं, तो पहले उससे इंट्रॉन निकाले जाते हैं, इसको हम इंट्रॉन स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो ये पोस्ट ट्रांसलेशन नहीं है, ये तो ट्रांसलेशन के पहले होता है ना, तो ए जो होता है वो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं है। पूछा है इसमें से विच वन इज अ नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, तो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग हो गई। अब बात करते हैं प्रोटीओलिटिक क्लीवेज की, ये तो बाद में होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद पॉलीपेप्टाइड बन जाता है तब उसका प्रोटीओलिटिक क्लीवेज एक्सेट्रा पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में आता है। लेकिन अप्यूरिनिक क्लीवेज जो है आपका, अप्यूरिनिक क्लीवेज आप देखेंगे बेस एक्सिजन रिपेयर जब होता है, डीएनए का जब रिपेयर होता है, उसमें जो होता है डीएनए ग्लाइकोसिलेज एंजाइम होता है जो क्लीवेज करता है, जो आपके एन ग्लाइकोसिलेटिक बॉन्ड होते हैं, मतलब जहाँ पे जो आपका नाइट्रोजनस बेस ACTG ऐसे है जो आपके राइबो शुगर से अटैच रहता है, उसको निकालने का काम ये करता है। और ये अप्यूरिनिक जो क्लीवेज है, अप्यूरिनिक क्लीवेज, ये भी जो है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं है। वही बात करें ओ लिंक ग्लाइकोसिलेशन का, तो ये भी आपका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में आता है। तो इस ऑप्शन में आप देखेंगे दो ऑप्शन, नंबर ए और सी, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग और अप्यूरिनिक क्लीवेज, दोनों के दोनों पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, दोनों, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, कोडॉन और एंटी कोडॉन का जो इंटरैक्शन होता है वो किससे स्टेबलाइज होता है। तो अब इसका इजी सा आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है एंटी कोडॉन जो आपको टीआरएनए में रहता है, जब मैसेंजर आरएनए आता है, मैसेंजर आरएनए में राइबोसोम लगे हुए होते हैं और वो जो राइबोसोम का पी साइट होता है वहाँ पे आपका मैसेंजर आरएनए अलाइंड रहता है, टीआरएनए भी इसी पी साइट पे आके बाइंड करता है। और ये यहाँ पे आप फिगर देखेंगे तो ये जो आपका टीआरएनए है उसका एंटी कोडॉन जो रीजन होता है, ये मैसेंजर आरएनए के कोडॉन रीजन से दोनों का बॉन्डिंग होता है, और जो बॉन्डिंग होते हैं इनका इंट्रैक्शन होता है, जैसे आपके बेसिस जो होता है आपको पता है, जैसे डीएनए में आप देख रहे हैं उस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो स्टेबलाइज रहते हैं, वैसे यहाँ भी दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ए, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई इज रेगुलेटेड बाय एटेन्यूएशन ऑफ कंसर्न्ड ओपेरॉन।
कह रहा है इसमें से कौन सा ऑपेरॉन है लैक्टोज किसका मेटाबॉलिज्म में, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में, ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म में, या गैलेक्टेज के मेटाबॉलिज्म में, किसने किस में आपका जो किस ओपेरॉन का रेगुलेशन जो होता है वो एटेन्यूएशन के द्वारा होता है। तो जब आप पढ़ते हैं आपका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी आपका ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म। जब आप ट्रिप्टोफान ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो ट्रिप्टोफान ओपेरॉन होता है ये ग्रुप ऑफ जीन होता है जो एक साथ ट्रांसक्राइब होते हैं, दैट कोड फॉर द कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्टोफान के प्रोडक्शन के लिए जो नेसेसरी होते हैं। अब जो ट्रिप्टोफान ओपेरॉन होता है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। द ओपेरॉन इज रेगुलेटेड सो दैट, ये ऐसे रेगुलेटेड रहता है जैसे व्हेन ट्रिप्टोफान इज प्रेजेंट, जब एनवायरमेंट में आपका ट्रिप्टोफान प्रेजेंट होता है तो ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और यहाँ पे पांच स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, TRPE, DCBNA, विच इनकोड एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ द पाथवे, ये सब कोड करते हैं आपके एंजाइम जो कि आपका ट्रिप्टोफान बनाता है सेल में। जब बाहर आपका ट्रिप्टोफान नहीं रहेगा तो सेल ट्रिप्टोफान सिंथेसाइज नहीं करता है। तो जो यहाँ पे आपका ट्रिप्टोफान है ये निगेटिवली रेगुलेट करता है, उसके प्रेजेंस में ये जो इसका ट्रांसक्रिप्शन है ये रोक देता है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि ये बैक्टीरिया में होता है ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, तो बैक्टीरियल सिस्टम में बहुत सारे जो राइबोसोम है वो मैसेंजर आरएनए से लगे हुए होते हैं, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ होता रहता है। तो एक तो यहाँ पे ट्रिप्टोफान ओपेरॉन में दो इसका मैकेनिज्म है रेगुलेशन करने का। पहला तो ये कि ट्रिप्टोफान जब प्रेजेंट रहता है तो वो जाके वहाँ पे बाइंड करता है, आप देखेंगे इसका सारा प्रोसेस है वहाँ पे वो बाइंड करता है और उसको निगेटिवली रेगुलेट करता है, ठीक है, फिर वो ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देगा। सेकेंड चीज़ क्या है, एक तो बहुत सारे जो आपके राइबोसोम वहाँ पे पहले से बाउंड कर चुके हैं, तो इसमें दूसरा रेगुलेशन ये है एटेन्यूएशन का प्रोसेस होता है वहाँ पे। एटेन्यूएशन में आप देखेंगे इसका जब जैसे ये मैं आपको बताऊँ ये कुछ सीक्वेंसेस रहते हैं, जब हाई लेवल ऑफ ट्रिप्टोफान रहता है आपका यहाँ पे एक लीडर पेप्टाइड होता है, तब क्या होता है आपका यहाँ पे आराम से सेल जो होता है ये आपका जीन हो गया ट्रिप्टोफानल, इससे आपका ये कंप्लीट लीडर पेप्टाइड बनता है। लेकिन जब लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफान रहता है तो इनकम्प्लीट लीडर ऑफ पेप्टाइड रहता है। थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यहाँ पे बस आपको यही समझना है कि इसमें एटेन्यूएशन का प्रोसेस होता है। एटेन्यूएशन इसका सेकेंड रेगुलेटरी प्रोसेस है जिसकी वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन इस जीन का रोकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म, ये आपको लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में नहीं देखने को मिलेगा, ना तो ग्लूकोज में ना तो गैलेक्टोज में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म। 37 पे आते हैं हम, ज्यूटर आयंस हैव सेवरल बेसिक एंड एसिड ग्रुप, कह रहा है ज्यूटर आयंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, वहां पे बेसिक और एसिडिक ग्रुप होते हैं उसके सरफेस पे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज्यूटर आयन, इसमें से कौन सा ज्यूटर आयन है, लेसिथिन, ग्लाइकोज एंड ग्लाइसिन या मैसेंजर आरएनए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ग्लाइसिन। ज्यूटर आयंस में एक्चुअली होते क्या है, यहाँ पे बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज ग्रुप रहते हैं विथ एन ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज। ओवरऑल न्यूट्रल उस पर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, पर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज ग्रुप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ग्लाइसिन का ही मैं बताता हूँ, ग्लाइसिन में आप देखेंगे लो पीएच पे ये जो होगा ग्लाइसिन का ये स्ट्रक्चर है, लो पीएच पे ये पॉजिटिवली चार्ज रहता है और जो COO ग्रुप है यहाँ पे एच लगा हुआ रहता है तो ओवरऑल चार्ज पे पॉजिटिव रहता है। लेकिन न्यूट्रल पीएच पे आप देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो रहता ही है, अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे जब न्यूट्रल पीएच हो जाता है मतलब एच कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो यहाँ से एक OH एच आपका निकल जाता है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चार्ज रहते हैं। और यही आपका जो पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज ग्रुप दोनों हैं ऐसा जो स्पीसीज होते हैं उनको हम ज्यूटर आयन्स बोलते हैं। तो ग्लाइसिन में आप देखिए ये ज्यूटर आयन बनता है, और जब हाई पीएच हो जाएगा तब आपका ये भी यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा, ओवरऑल क्या यहाँ पे एक माइनस चार्ज रहेगा। तो लो पीएच पे एक प्लस चार्ज, हाई पीएच पे एक माइनस चार्ज, और न्यूट्रल पीएच पे ये ज्यूटर आयन के तरीके से होते हैं ग्लाइसिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ग्लाइसिन। 38 पे आते हैं, व्हाट इज अ यूनिवर्सल बायोलॉजिकल सॉल्वेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द स्टेटमेंट, कह रहा है वाटर जो है आपका ये यूनिवर्सल बायोलॉजिकल सॉल्वेंट है और इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रॉपर्टी की इसके सपोर्ट नहीं करता है। तो वाटर में आप देखेंगे जो इसका हाई स्पेसिफिक हीट है, हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये जो पोलर है, ये तीनों जो फैक्टर हैं ये इसको
यूनिवर्सल जो इसकी बायोलॉजिकल सॉल्वेंट कहलाता है, इसकी प्रॉपर्टी में ये मदद करता है। हाई स्पेसिफिक हीट होने का मतलब है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है फिर भी ये उसमें लिक्विड बना रहता है। अगर ऐसा कुछ होता कि थोड़ा सा 1-2 डिग्री चेंजेस की आर नॉर्मल देखेंगे, हमारा जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे 1-2-3-4 डिग्री का डिफरेंस तो होता ही रहता है। अगर ऐसा आप कोई सॉल्वेंट ले लें जो इतने टेम्परेचर पे वो वेपराइज हो जाए, तब वो कैसा सॉल्वेंट, वो अच्छा सॉल्वेंट नहीं होगा। इसलिए जो इसका हाई स्पेसिफिक हीट है ये इसको अच्छा सॉल्वेंट बनाता है। लिक्विड ही रहता है लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन पे भी। डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट बताता है हमारा, जितना ज़्यादा हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट होगा उतना पोलर होगा, और पोलर नेचर ही इसका जो है थर्ड वाले ऑप्शन में भी है। दोनों के दोनों पोलरिटी के लिए हैं, और पोलरिटी भी ये जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है इसके लिए हेल्प करता है। पर ये जो आपका डी है, इट सॉलिडिफाइज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसके प्रॉपर्टी को, जो सॉल्वेंट वाली प्रॉपर्टी है, इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। ओके 39 पे चलते हैं। द नेचर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज दैट ऑफ, क्या जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसका क्या नेचर होता है। ये एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, एमाइड लिंकेज है, ईस्टर लिंकेज है, ईथर लिंकेज है। तो एक्चुअली ये एक पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, यहाँ पे आपका एमाइड लिंकिंग होती है। एमाइड का मतलब है यहाँ पे एमाइड, जैसे आप अमीनो एसिड में देखेंगे एक तरफ NH3 होता है, एक तरफ COOH होता है, तो यही जो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, एक अमीनो एसिड का NH3 दूसरे के कार्बोक्सिलिक एंड से ज्वाइन करते हैं, तो ये एमाइड बॉन्ड बनता है। और इसी को जब हम पॉलीपेप्टाइड में पढ़ते हैं, इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी एमाइड लिंकेज। 40 पे चलते हैं। पूछा है माइकलिस मेंटन का जो इक्वेशन होता है वहाँ पे ग्राफ कैसा रहता है, हमेशा लीनियर, निगेटिव, हाइपरबोला या बेल शेप। तो आप देखेंगे जो जैसे एंजाइम का कंसंट्रेशन आप फिक्स कर लीजिए और रिएक्शन का रेट आप बढ़ाइए, मतलब आप जब सब्सट्रेट डालेंगे, सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे, जो आपका रेट है ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। पहले एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे जब एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो ऑक्यूपाई होने लगेंगे सब्सट्रेट से, फिर धीरे 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 ये थोड़ा थोड़ा ही इंक्रीज करेगा, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे बहुत स्लोली इंक्रीज होगा इसके कंसंट्रेशन में। तो ये जो ऐसा ग्राफ बनता है रिएक्शन की वेलोसिटी और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन में, ये जो ग्राफ बनता है ये इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला, और दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज रिफर टू एज हाइपरबोलिक रिलेशनशिप है ये, रिएक्शन वेलोसिटी में और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन में। यही माइकलिस मेंटन इक्वेशन भी बताता है यही। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी हाइपरबोला। 41 पे चलते हैं। पूछा है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो जो आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं पूछ रहा है उसका सिनोनिम क्या है। तो जो आप ग्लाइकोलिसिस मोस्टली पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस आपको पढ़ाया जाता है, उसको हम इम्बिडेन मेयरनहॉफ पारनहास पाथवे भी कहते हैं, शॉर्ट में EMP पाथवे भी कहते हैं, जिसे डिस्कवर्ड किया था गुत्सो इम्बिडेन, ओटो मेयरनहॉफ एंड जैकब करोल पैरनास ने इसको डिस्कवर किया था। इसीलिए ये मोस्ट कॉमन टाइप है ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस का और भी वेरिएशन है पर वो उतने कॉमन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो सिनोनिमस है EMP पाथवे का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ए। 42 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर सोलेबल विटामिन, तो विटामिन में आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, वहां पे आपको वाटर सोलेबल विटामिन, लिपिड सोलेबल विटामिन, जैसे आपका विटामिन ए डी ई के जो विटामिन है ये फैट सोलेबल विटामिन है या लिपिड सोलेबल विटामिन है, बाकी और जो है आपके वो आपके वाटर सोलेबल विटामिन है। तो विटामिन B6 आप देखेंगे, वाटर सोलेबल विटामिन इंक्लूड एस्कॉर्बिक एसिड जिन्हें विटामिन सी कहते हैं, थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6 जिसको आप पिरिडॉक्सिन भी बोलते हैं या पिरिडॉक्सॉल भी बोलते हैं, फोलेट जिसे आप विटामिन B9 बोलते हैं, विटामिन B12। तो आप ऑप्शन में देखेंगे विटामिन B6 तो है, ये वाटर सोलेबल है, यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड मैंने बोला ही वाटर सोलेबल है, विटामिन डी आपका ये क्या है फैट सोलेबल है, विटामिन V9 आपका जो फोलेट है V9 ये वाटर सोलेबल है। तो पूछा है कौन सा इसमें से वाटर सोलेबल विटामिन नहीं है, तो आपका विटामिन डी ही आपका वाटर सोलेबल नहीं है, ये फैट सोलेबल विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। पूछा है इनमें से कौन सा आपका मेटालो प्रोटीन है, तो बहुत से जो प्रोटीन होते हैं आप देखेंगे वो जैसे राइबोन्यूक्लियेज हो गए या काइमोट्रिप्सिनोजन, वो केवल और केवल एमिनो एसिड के ही बने होते हैं, मतलब एंटायरली पूरे प्रोटीन के ही बने होते हैं और वो ऐसे ही फंक्शन करते हैं। पर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जहाँ पे नॉन एमिनो एसिड पार्ट भी होता है, इसको हम कंजुगेटेड प्रोटीन भी बोलते हैं, और जो कंजुगेटेड पोर्शन रहता है उसको हम प्रोस्टेटिक ग्रुप बोलते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन्स को आप बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए
लाइपोप्रोटीन अगर उसमें लिपिड जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं अगर शुगर ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेटालोप्रोटीन कब हम बोलते हैं जब जो कंजुगेटेड प्रोटीन में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो आपका मेटल रहे कोई। और आपको मेटल आप देखेंगे हीमोग्लोबिन में जो है वहाँ पे आयरन रहता है, और यूरिएज में आप देखेंगे वो निकल कंटेनिंग मेटल एंजाइम्स है। तो यहाँ पे दो दो मेटल एंजाइम्स हैं, हीमोग्लोबिन और यूरिएज, दोनों के दोनों मेटालोप्रोटीन्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, बोथ ए एंड बी, हीमोग्लोबिन एज वेल एज यूरिएज इज अ मेटालोप्रोटीन। नेक्स्ट चलते हैं 44 पे, पूछ रहा है द अल्फा हेलिसेस आर एग्जाम्पल ऑफ, जो अल्फा हेलिक्स आप पढ़ते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, प्रोटीन का क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो जब आप अल्फा हेलिसेस और बीटा सीट्स पढ़ते हैं एक्चुअली ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आते हैं आपके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका वही आपका जो वो होता है एमिनो एसिड का सीक्वेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। उसके बाद लोकल फोल्डिंग, ये जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस रहता है ये लोकल फोल्डिंग करता है, या तो ये अल्फा हेलिक्स बनाता है या तो बीटा प्लेटेड शीट बनाता है, और ये दोनों के दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं आपके। ओके करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बी। 45 पे आते हैं, कह रहा है जब ऑक्सीडेशन होता है पॉलमेटिक एसिड का, जो एक जहाँ पे 16 कार्बन कंटेनिंग है ये आपका कंपाउंड, ये जो पॉलमिटिक एसिड है यहाँ पे कितने राउंड्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन होते हैं और यहाँ पे कितने स्टिल को एंजाइमे बनते हैं। तो आप देखेंगे ये जो 16 कार्बन पॉलमिटिक एसिड है ये 7 राउंड्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन के लिए जाता है, और 7 राउंड के लिए मतलब आप समझ लीजिए कि 16 कार्बन का है, आप इसको दो दो एस्टिल को एंजाइम दो कार्बन का होता है ठीक, और जब आपको दो कार्बन तोड़ना आप 7 बार इसे ब्रेक करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 जो है आपको वो मिलेगा एस्टिल को एंजाइम ए। तो ये जो 16 कार्बन पालमिटिक एसिड है ये 7 टाइम राउंड्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन के लिए जाता है, और हर बार जो है इसमें एक दो कार्बन का एस्टिल को एंजाइम निकलता है। ऐसे ये 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन के लिए जाता है, जहाँ पे टोटल आपको 8 एक लास्ट में बचा रह जाता है, तो वो भी एक एस्टिल को एंजाइम का ही पोर्शन, मतलब एस्टिल को एंजाइम ही है। तो टोटल यहाँ पे आप क्या फील करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड रिक्वायर 7 राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन एंड यील्ड्स 8 नंबर ऑफ एस्टिल को एंजाइम है। तो 7 एंड 8 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 46 पे आते हैं, कह रहा है माल्टोज में जो आपका पता है ये एक डाइसैकेराइड है माल्टोज, ये डी ग्लूकोज का बना होता है, मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज के ज्वाइनिंग से, पर यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा होता है ये पूछा है। तो आप देखेंगे जब माल्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले ग्लूकोज का जो C1 रेजिड्यू होता है वो दूसरे ग्लूकोज के C4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो बॉन्डिंग होती है 1,4 तो हो गया आपका, अब वो अल्फा है कि बीटा है, अब आप देखेंगे जो इसमें वो होता है दोनों के बीच में इंटरेक्शन OH ग्रुप के बेसिस पे हम बताते हैं कि अल्फा है या बीटा है, तो OH यहाँ पे नीचे रहता है, जब बीटा अप कॉन्फ़िगरेशन रहता है तब उसको बीटा बोलते हैं, OH ग्रुप जब नीचे रहता है तो उसको हम अल्फा बोलते हैं, तो ये ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लूकोज है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं, एन एलील इज बिस डिफाइंड एज, ये बहुत ईजी है आपका, एलील्स जो होते हैं आपके एक जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, कॉमन मेंडल का जो प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा तो आप इससे बता सकते हैं आराम से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए। 48 पे आते हैं, कह रहा है ड्यूरिंग जीन इंटरेक्शन इफ वन जीन, ध्यान में रखिए जीन इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे बोला है, जब एक जीन दूसरे जीन का इफेक्ट मास्क करता है तो इसको क्या बोलते हैं, लिटल जीन, एपिस्टैटिक जीन, डोमिनेंट जीन या नन ऑफ द अबो। तो इसे आप दो ऑप्शन में आप जा सकते थे, एपिस्टैटिक या डोमिनेंट, पर ध्यान रखिए डोमिनेंस जो हम बताते हैं डोमिनेंट जीन, वो एक्चुअली यहाँ पे पूछा है इफ वन जीन मास द इफेक्ट ऑफ अदर अदर जीन, एक जीन दूसरे जीन का कर रहा है, तो जब एलील में होता है ये डोमिनेंस और रिसेसिव वाला, पर अगर हम बात जब मास्किंग की बात आती है तो इस ये आता है आपका एपिस्टैटिक जीन में, व्हेन टू आर मोर जीन इन्फ्लुएंस अ ट्रेट एन एलील ऑफ वन ऑफ देम मे हैव अ ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द अदर फिनोटाइप, व्हेन एन एलील इज हैज सच एन ओवरराइडिंग इफेक्ट इट इज सुड टू बी एपिस्टैटिक टू द अदर जीन, नोट दैट इन द क्वेश्चन इज जीन नॉट एलील, इफ इफ दिस वॉज एलील देन द करेक्ट ऑप्शन वुड हैव टू बी सी। तो यहाँ पे क्या होगा,
बी होगा आपका, ये एपिस्टेसिस कहलाता है। 49 पे आते हैं, द होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगोसिटी ऑफ अ प्रोजनी कैन बी डिटरमिन्ड बाय। कह रहे हैं आप कैसे पता लगाएंगे कि एक प्रोजनी है वो होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है, एपिस्टेसिस से, प्लियोट्रॉपी से, टेस्ट्रो से, बैक क्रॉस से। नॉर्मल आप एनसीईआरटी के बुक में आप पढ़ेंगे, जैसे मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्लांट में, उनको जो F1 जनरेशन में सारे प्लांट मिलते, मान लीजिए हाइट की हम बात कर रहे हैं, सारे प्लांट टाल थे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना था कि सबका जीनोटाइप कैपिटल टी वाला था, उसमें तो कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी वाले भी थे। तो उन्होंने एक वो मेथड डेवलप किया जिसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इसमें ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला है, जीनोटाइप नहीं, फिनोटाइप वाला है, इसको हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं किससे, रिसेसिव पेरेंट से। तो इससे जो उसके प्रोजनीज आती हैं, हम उससे एनालाइज कर सकते हैं कि उसका जीनोटाइप क्या रहा होगा जो हम जिस ऑर्गेनिज्म को टेस्ट कर रहे हैं। तो ये टेस्ट क्रॉस में आता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, पूछा है द सेग्रीगेशन रेशियो ऑफ लेथल जीन एक्शन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। कह रहा है अगर सेग्रीगेशन हो रहा है लेथल जीन का, तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, 15.1 के रेशियो में, 13.3 के, 19:7 और 2:1। तो लेथल जीन का सेग्रीगेशन आप देखेंगे, लेथल जीन में आप समझिए मतलब अगर रेसिव कंडीशन में लेथल जीन आ जाएंगे तो उस ऑर्गेनिज्म के क्या होगा, डेथ हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल आता है आप जेनेटिक्स बुक में पढ़ेंगे, येलो लेथल म्यूटेशन एक हो जाता है माउस में, और इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये जो म्यूटेशन है ये विजिबल भी होता है, ये जो माउस का फर होता है उसको येलो कर देता है, मतलब जो उसको कैरी करता रहेगा रिसेसिव ट्रेट को, दोनों के दोनों एलील रिसेसिव होंगे, वो येलो कलर का होगा, नहीं तो वाइल्ड टाइप वाला आपको ग्रे ब्राउन दिखता। जैसे ये मेल है, मान लीजिए ये हेटरोजाइगस से बाहर से तो आपको ग्रे ब्राउन दिखेगा, ये फीमेल भी आपको बाहर से ग्रे ब्राउन दिखेगी। तो दोनों वाइल्ड टाइप वाले फिनोटाइप के हैं, पर दोनों के दोनों कैरियर हैं ये लेथल एलील का। और जब इनके बीच में क्रॉसिंग होगी तो एक तो प्योरली आपको वाइल्ड टाइप का मिलेगा, दो आपको हेटरोजाइगोट मिलेंगे, तो ये लेथल नहीं है। पर ये वाला जो है दोनों जगह पे वाई वाई आ गया, लेथल जीन एक साथ आ गए, तो इसमें इसका डेथ हो जाएगा, इसीलिए इसमें जो आपको रेशियो मिलेगा वो 2:1 का मिलेगा, इसका डेथ हो जाता है। तो ये सेग्रीगेशन रेशियो है लेथल जीन एक्शन का, तो 2:1 ही इसका आंसर होगा, डी। 51 पे आते हैं, कह रहा है जो टेंडेंसी होती है जीन्स का और जो एक साथ रहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं। तो ये सिंपली लिंकेज का ही डिफिनेशन है, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज लिंकेज। 52 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन। ये आपको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताना था, कौन पहले है कौन बाद में है। तो आप देखेंगे जो पेकिंग मैन था वो उसका ये लिविंग पीरियड ये बताया जाता है, होमो हैबिलिस का लिविंग पीरियड ये बताया जाता है, और आप आगे आएंगे फिर आपका नियंडरथल्स आते हैं जिनका ये है अंटिल 4 लाख, क्रोमैग्नान सबसे आगे आता है आपका। तो जो आपका सीक्वेंस बनता है, एवोल्यूशनरी सीक्वेंस बनता है, वो बनता है आपका सी वाला, सबसे पहले पेकिंग मैन, फिर हेडलबर्ग मैन, फिर नियंडरथल मैन, फिर आता है आपका क्रोमैग्नन मैन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। 53 पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। तो ईजी है, आर्कियोटेरिक्स जो है आपका आइकॉनिक फॉसिल है आपका, इसी को हम मिसिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन डायनासोर्स एंड बर्ड। डायनासोर्स आते हैं आपके रेप्टाइल। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पे, ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई। कह रहा है ट्रांजिशन जो टाइप होता है जीन म्यूटेशन का, वो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं किससे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन की बात कर लेते हैं। म्यूटेशन जो ये होते हैं, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, ये टाटोमेरिक शिफ्ट की वजह से होते हैं बेसिस में, डीएनए में, जहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है। अगर एक प्यूरिन का रिप्लेसमेंट होता है, किसी स्टैंड में प्यूरिन है, वो दूसरे प्यूरिन से रिप्लेसमेंट हो जाए, या पिरिमिडीन का रिप्लेसमेंट हो वहाँ पे पिरिमिडीन से, तो ये जो है बेस बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन जो, इन्हें हम ट्रांजिशन बोलते हैं। वही ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन जो होते हैं, प्यूरिन से अगर पिरिमिडीन से, या पिरिमिडीन का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट होता है, तब उसे ट्रांसवर्जन बोलते हैं। तो हमेशा से ध्यान रखिएगा आप, प्यूरिन टू प्यूरिन सब्स्टिट्यूशन और पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ट्रांजिशन, और जब प्यूरीन से पिरिमिडीन का या पिरिमिडीन से प्यूरीन का सब्स्टिट्यूशन होता है, तो हम उसे
ट्रांसवर्जन बोलते हैं। तो ट्रांजिशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे जी है, अब पहला ही लेटर पकड़िए आप जो बेस पे रहे, जी का कन्वर्जन होता है टी में। जी क्या है? आपका प्यूरीन है, और ये कन्वर्ट किस में किया कर दिया जा रहा है? पिरिमिडीन में। तो ये ट्रांसवर्जन का एग्जाम्पल है। सी जी की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे प्यूरीन है सी, ये कन्वर्ट हो जा रहा है जी में। या ऐसे ही सी और ए की बात कर लें, या जी सी की बात कर लें, तो ये क्या हो रहा है? एक पिरिमिडीन है, एक प्यूरीन है, तो ये भी ट्रांसवर्जन है। ए टी सी जी की फिर से अगर आप बात करेंगे तो वही कहानी है यहाँ पे भी। ये आपका क्या हुआ? प्यूरीन हो गया, ये आपका क्या हो गया? पिरिमिडीन हो गया। तो ये तीनों के तीनों ऊपर के ऑप्शन आपके क्या हैं? ट्रांसवर्जन हैं, जहाँ पे पिरिमिडीन का प्यूरीन से या प्यूरीन का पिरिमिडीन से रिप्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, ए टी सब्स्टिट्यूटेड बाय जी सी, यहाँ पे ए क्या है आपका? आपका ए प्यूरीन है और जी भी प्यूरीन है, और ये जो सब्स्टिट्यूशन है प्यूरीन टू प्यूरीन हो रहा है, इसीलिए यही आपका ट्रांजिशन टाइप वाला जीन म्यूटेशन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। द ट्रेड फॉलोज मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न इन अ पॉपुलेशन मेंटेनिंग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। कह रहा है ये जो ट्रेड है, ट्रेड जो फॉलो होता है यहाँ पे, जो दिया गया है मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो कर रहा है पॉपुलेशन में, जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना रहा है। कह रहा है इफ 16% ऑफ द पीपल शोड दैट रिसेसिव ट्रेट, देन द फ्रीक्वेंसी हेटरोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल इन दैट पॉपुलेशन। कह रहा है अगर 16% जो पीपल हैं उस पॉपुलेशन में वो रिसेसिव ट्रेट शो कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी आप बताइए हेटरोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल का। तो आपको पता है क्या क्या हो सकता है आपका, जो जीनोटाइप हो सकता है, या तो जैसे अगर मैं मानूं कि ए आप रख लीजिए, तो कैपिटल ए डोमिनेंट वाला हो गया, हेटरोजाइगस क्या हो गया? कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये रिसेसिव वाले हैं ये क्या होंगे? स्मॉल ए स्मॉल ए। इसका मतलब यहाँ पे बताया गया है कि 16% हैं वो स्मॉल ए वाले हैं, स्मॉल ए होमोजाइगस। तब इससे आप देखिए आराम से आप निकाल सकते हैं, अज्यूम कीजिए कि दो एलील हैं, कैपिटल वाला डोमिनेंट और स्मॉल ए वाला रिसेसिव। फ्रिक्वेंसी अगर हमें स्मॉल ए जीनोटाइप का निकालना है, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव का, तो इसको आप क्या बोलेंगे? 0.16। इसे आप इसको ही आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। अगर हम मानते हैं कि 100% को आप एक मान लीजिए, तो 16% क्या हुआ? 0.16। ओके, तो अगर आपको इसी से फ्रीक्वेंसी अगर एक ही निकालनी है, केवल एक ही, ये देखिए पूरे जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है, अगर केवल आपको इस एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आपको क्या करना है? आप इसको मानिए क्यू, जैसे पी और क्यू होता है, पी कैपिटल ए होगा और स्मॉल ए क्यू होगा आपका, तो क्यू आप इसका क्या अंडर रूट निकाल लीजिए, तो आपको आ जाएगा 0.4। अब ये हमारा आ गया, तो इससे हम जो आपका कैपिटल ए एलील है उसका हम वो निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, बस इसको केवल एक से माइनस कर दीजिए तो 0.6 आ गया। अब स्मॉल ए एलील का फ्रीक्वेंसी 0.4 है, कैपिटल ए एलील का 0.6 है। अब हम इसके जीनोटाइप की सारी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। आपको पता है ए प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अपनाना है आपको, तो अगर आपको जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल का देखना है, जो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, और ये हेटरोजाइगस जो क्वेश्चन में पूछा है उसका आपको निकालना है, तो करना क्या है, ये आपका क्या रहेगा? जैसे आपने देखा क्यू स्क्वायर है ये, क्या आपका क्यू स्क्वायर है ये 0.16, वैसे ही पी स्क्वायर होगा आपका कैपिटल है तो 0.36 हो गया। जो हेटरोजाइगोट हैं उनका क्या होगा? 2PQ होगा, मतलब 0.48। अब इसी को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपका आ जाएगा 48%। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी 48%। ओके, 56 पे चलते हैं। आप कह रहा है एक इंडिविजुअल फीमेल है जिसको डाउन सिंड्रोम है, तो उसका कैरियोटाइप क्या होगा? 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY, 44 ऑटोसोम्स प्लस XYY, 45 ऑटोसोम्स प्लस XX और 45 ऑटोसोम्स प्लस XY। तो यहाँ पे आप जेनेटिक्स से आए हुए क्वेश्चन है, जो अब आप देखेंगे जो ये एबनॉर्मेलिटी डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे होता है आपका ट्राइजोमी, और ट्राइजोमी किस क्रोमोजोम का? क्रोमोजोम नंबर 21। क्रोमोजोम नंबर 21 क्या है आपका? ऑटोसोम, मतलब यहाँ पे ट्राइजोमी होती है। जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं फीमेल, मतलब एक्स एक्स वाले, ठीक, उनमें क्या होता है? एक ऑटोसोम एक्स्ट्रा रहता है। तो मतलब ये हो गया कि
जो नॉर्मल अगर फीमेल होती तो क्या होता वहां पे, 44 ऑटोसोम्स होते प्लस एक्स एक्स होते, लेकिन यहाँ पे एक ऑटोसोम एक्स्ट्रा है, मतलब 44 के जगह यहाँ पे 45 ऑटोसोम्स हैं, और सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे क्या है, फीमेल है तो एक्स एक्स होगा, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 57 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, कह रहा है इसमें से कौन सा सेल हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, मैक्रोफेज, यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स। तो आप देखेंगे इसमें से सारे मैक्रोफेजेस, यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट से बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, सारे के सारे इसमें से हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। 58 पे आते हैं, कह रहा है एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो जब आप एंटीबॉडीज का देखेंगे, जिसको आप इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, वो एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। ओके, 59 पे आते हैं, लाइट चेन एंड हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी आर ज्वाइंट टुगेदर। अब आप एंटीबॉडी का जब स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें लाइट चेन भी होता हैवी चेन भी होता है, ये मैं आपको यहाँ पे फोटोग्राफ दिखाता हूँ, तो ये आपका हैवी चेन हो गया और ये यहाँ पे लाइट चेन हो गया, तो ये हैवी चेन और ये जो इससे लाइट चेन दोनों जुड़े होते हैं आपस में, इनके बीच में डाई सल्फाइड बॉन्डिंग होती है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, डी, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड। 60 पे आते हैं, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, ब्लास्ट आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ेंगे या टेक्निक्स में, आप ब्लास्ट किया जाता है, ये एक्चुअली है क्या, ये एक एल्गोरिदम है जहाँ पे हम डीएनए सीक्वेंस इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन करते हैं, तो इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स ब्लास्ट, जिसको आप बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल कहते हैं, इसका फुल फॉर्म बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है, ये एक एल्गोरिदम है और एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम प्राइमरी बायोलॉजिकल जो सीक्वेंस होता है, डीएनए आरएनए के जो इंफॉर्मेशन होते हैं, एमिनो एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, सारे के सीक्वेंसेस को हम कंपेयर करते हैं। ओके, और ये जो लिंक है यहाँ पे, आप एनसीबीआई ब्लास्ट आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप, वहाँ पे ब्लास्ट होता है एनसीबीआई पे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, बी। 61 पे आते हैं, इन एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए सैंपल माइग्रेट टूवर्ड, कह रहा है जब एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जहाँ पे ये आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, तो जो डीएनए सैंपल माइग्रेट करते हैं कहाँ पे जाते हैं, कैटकोड की तरफ, एनोड की तरफ, या मूव नहीं करते हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा, तो जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, वहाँ पे सैंपल लोड करने के लिए वेल होता है, एक तरफ कैथोड होता है जो माइनस चार्ज होता है, एक तरफ एनोड होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जो डीएनए सैंपल है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव करते हैं, और तो ये जो डीएनए पे फॉस्फेट बैकबोन है, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज आता है और ये पॉजिटिवली एनोड की तरफ मूव करते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन है इसमें, कोई कहीं आंसर इसका लिखा होता है कैथोड, कहीं पे एनोड, पर बहुत सारे साइट है जो मेनली ये सारी चीज़ें बताती हैं, आप देखेंगे वहाँ पे एनोड ही है इसका आंसर, तो एनोड के साथ जाइए, आंसर क्या होगा इसका, बी। 62 पे आते हैं, फेगोसाइटोसिस जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, फैगोसोम्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म अ बिगर वैक्यूल, सेल डिवीजन प्रोसेस ऑफ फैगोसाइट्स, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ बैक्टीरियोफेज, अ मैकेनिज्म यूज टू रिमूव फॉरेन पैथोजन इन सेल डिवीज। तो फैगोसाइटोसिस जो है, जैसे आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनका काम ही यही होता है कि वो फॉरेन जो पैथोजेंस होते हैं उनको रिमूव करते हैं या सेल के डेब्रिस को रिमूव करते हैं, तो फैगोसाइटोसिस जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटेड है आपका डी वाले से, इट इज अ मैकेनिज्म यूज टू रिमूव फॉरेन पैथोजेंस एंड सेल डिब्रिस। 63 पे आते हैं, रिकेट्स इज कॉज बाई द डिफिशियंसी ऑफ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पहले से पूछा जा रहा है, विटामिन डी की कमी से जो होता है आपका रिकेट्स होता है, द फंक्शन ऑफ विटामिन डी इज टू रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और जो विटामिन डी का फंक्शन होता है ये एक्चुअली रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए, जब विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तब यही जो होता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता है, इसकी वजह से चिल्ड्रंस में आप देखेंगे डिफेक्टिव बोन मिनरलाइजेशन हो जाता है, विथ अ स्क्वायर्ड हेड, उनका हेड स्क्वायर जैसा होता है, चेस्ट डिफॉर्मिटी आ जाती है, स्पाइन एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, और बोइंग ऑफ लेग्स होता है, मतलब थोड़ा सा लेग जो होता है टेढ़ा हो जाता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। 64 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द सेंसेस ऑफ मिल्क प्रोटीन, इनमें से कौन सा है हार्मोन जो हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोटीन के सेंसेस के लिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, बीटा ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच,
तो आप देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी से है ये क्वेश्चन। प्रोलैक्टिन जो होता है यहाँ पे पीआरएल जिसे बोला गया है बी वाला, ये रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू पीआरएस, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस कास्ट बाय सकलिन ऑफ एन इन्फेंट स्टिमुलेट द सेंसेस ऑफ मिल्क प्रोटीन ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो ये लैक्टेशन के टाइम पे जो आपके इन्फेंट्स होते हैं जब सकलिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रोलैक्टिन हमारा रिलीज होता है जो स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोटीन की सेंसेस के लिए। 65 पे आते हैं, द पोर्शन ऑफ ड्रोसोफिला बॉडी प्लांट दैट विल प्रोड्यूस द विंग इज कॉल्ड, कह रहा है ड्रोसोफिला जो आपका इंसेक्ट है उसकी बॉडी का कौन सा पोर्शन है जो विंग प्रोड्यूस करता है, टेलसन, डॉर्सल, एब्डोमेन और थॉरेक्स। तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि जो ड्रोसोफिला का बॉडी प्लान होता है वो जैसे उसका एम्ब्रियोनिक बॉडी प्लान होता है वैसे ही होता है। और वहाँ पे आपको हेड देखने को मिलेगा, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट टेल देखने को मिलेगा, और उसके बीच में रिपीटिंग सेगमेंटल यूनिट्स होते हैं, और ये जो सेगमेंटल यूनिट्स होते हैं ये थोरैक्स बनाते हैं आगे के जो 3 सेगमेंट होते हैं, बाकी के जो 8 सेगमेंट होते हैं वो एब्डोमिन बनाते हैं इस ड्रोसोफिला का। ईच सेगमेंट ऑफ एडल्ट फ्लाई हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। अब जो ये फर्स्ट थोरैकिक सेगमेंट है, जैसे थोरैक्स का मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ना 3 सेगमेंट बनाता है थोरैक्स, जो फर्स्ट थोरैकिक सेगमेंट है वहाँ पे केवल लेग्स रहते हैं, सेकेंड थोरैकिक सेगमेंट पे लेग्स और विंग्स होते हैं, थर्ड थोरैकिक सेगमेंट पे लेग्स और हेल्टर्स होंगे, बैलेंसेस जिसे बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में क्या है आपका, थोरैक्स करेक्ट ऑप्शन होगा। 66 पे आते हैं, द फेज दैट डिस्ट्रॉयज होस्ट सेल इज कॉल्ड, वो फेज जो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है उसे क्या बोलते हैं। तो आप देखेंगे जो फेजेस होते हैं जो रिप्लिकेट करते हैं बैक्टीरियल सेल में, वो या तो लिटिक साइकिल काज करते हैं या तो वो लाइसोजेनिक काज करते हैं। तो लिटिक साइकिल में ही जो होता है ये होस्ट सेल डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और ऐसे फेजेस को हम विरलेंट फेजेस कहते हैं। वहीं ये जो लाइसोजेनिक फेज है ये टेम्परेट फेजेस की वजह से होता है, जहाँ पे ये जो आपका टेम्परेज फेज है ये जाता तो है बैक्टीरिया के अंदर पर वहाँ पे ये लाइसोजेनी बनाता है। लाइसोजेनी में क्या होता है, वो बैक्टीरियल क्रोमोजोम के साथ अपना जो डीएनए है वो वहाँ पे इंसर्ट कर देता है, और इस कंडीशन को प्रोफेज बोलते हैं। तो ये टेम्परेट फेज, प्रोफेज, लाइसोजेनिक फेज, ये सब लाइसोजेनिक साइकिल से रिलेटेड है। वह जो सेल को डिस्ट्रॉय करता है वो विरलेंट फेज होता है जो लिटिक साइकिल करता है, तो ए ही करेक्ट होगा इसका। 67 पे जाते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड एक्सप्रेशन इन्फेक्शंस आर नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होते हैं, एन इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्टेड इन अ हेल्थ केयर एसोसिएटेड सेटिंग। अब हेल्थ केयर एसोसिएटेड सेटिंग जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जो डिजीजेस कॉमनली हमें हो जाते हैं उनको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, या इन्हें हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। 68 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, एम्पिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या नन ऑफ द अबो। तो आप देखेंगे कि जो आपका ये है क्या बोलते हैं, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन जो होता है ये आपका मॉडिफाइड सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन की ही तरीके से काम करता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे, तो ये एक एंटीबायोटिक है। सिफेलोस्पोरिन की अगर हम बात कर लें तो ये एक फंगस सिफेलोस्पोरियम है, वहाँ से ये निकलता है और ये डिफर करता है पेंसिलिन से उसके मोड ऑफ एक्शन में। ये क्या करता है, ये सॉरी, ये पेंसिलिन के जैसा ही काम करता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, और ये भी क्या करता है, जो क्रॉस लिंकिंग होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन का वो उसको इंटरफियर करता है। वहीं स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात कर लें तो ये भी एक एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से निकलता है। तो तीनों के तीनों आपके एंटीबायोटिक हैं, जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो एंटीबायोटिक ना हो। 69 पे आते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोजेक्शंस दैट सर्व्स टू अटैच कोविड-19 ही कह लीजिए इसे, टू द ह्यूमन होस्ट सेल आर कॉल्ड, जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं। आप आज समय का कोरोना वायरस है, आप देखेंगे उसका जो स्पाइक्स उसमें, एक्चुअली उसको स्पाइक्स ही बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के प्रोजेक्शन जो उसमें से निकले होते हैं उसको स्पाइक्स बोलते हैं। तो कोरोना वायरसेस जो हैं ये विरोन्स हैं, इनवेलप्ड होते हैं, ये 62 to 220 नैनोमीटर डायमीटर के होते हैं, यहाँ पे क्लब शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम स्पाइक्स बोलते हैं, उसको सरफेस पे ढेर सारे निकले हुए रहते हैं, और यही जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, ये इसको क्राउन के जैसा एक शेप देते हैं जिससे ये क्लब
कोरोना जो टर्म है वो आया है, लैटिन वर्ड है क्राउन के लिए ही, तो ए ही होगा इसका स्पाइक। 70 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन गिव्स अ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो आप देखेंगे IgG, IgM, IgA, IgE, इनमें से कौन सा कह रहा है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देता है। तो आप जब सारे इम्यूनोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे M के बारे में, G के बारे में, A के बारे में, E के बारे में, तो जो मोस्ट कॉमन है, जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में इन्फेक्शन के बाद जो बनता है, वो आपका IgM, IgM होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, 71 पे, द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिकग्नाइज, कह रहा है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या रिकग्नाइज करते हैं। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं, एक्चुअली जब आप एंटीबॉडी देखते हैं, मतलब जो एंटीजेन होते हैं, एंटीजेन में जहाँ पे आपका एंटीबॉडी बाइंड करता है वो साइट्स आपके एपिटोप कहलाते हैं। तो यही जो एपिटोप होते हैं, यही एंटीजेन के एपिटोप जो होते हैं, इन्हीं को एंटीबॉडी रिकग्नाइज करता है। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी इन्हीं एपिटोप को ही रिकग्नाइज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। 72 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटो रिएक्टिवेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए में रिपेयर होते हैं, कुछ लाइट डिपेंडेंट रिपेयर होते हैं जिन्हें हम फोटो रिएक्टिवेशन बोलते हैं डीएनए का। ये बैक्टीरिया में होता है और एक एंजाइम होता है डीएनए फोटोलाइजिस, उसकी वजह से होता है। जब डीएनए जो होता है अल्ट्रावायलेट लाइट से हम एक्सपोज करते हैं, तो वहाँ पे थायमीन जो बेसिस होते हैं उसके बीच में डाइमर बन जाता है, कोवेलेंट क्रॉस लिंकिंग हो जाती है उनमें, और यही जो डीएनए फोटोलाइगेज है ये इन्हीं थायमीन डाइमर को रिकग्नाइज करता है डीएनए में, और लाइट एनर्जी को यूज़ करके इस क्रॉस लिंकिंग को वो तोड़ता है। तो वो एंजाइम कौन सा है आपका, डीएनए फोटोलाइगेज, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 73 पे आते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज द काजल एजेंट ऑफ स्वाइन फ्लू, कह रहा है स्वाइन फ्लू का काजल एजेंट क्या है, H1N1 वायरस, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, साल्मोनेला टाइफाई या कोविड-19। कोविड-19 तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। कोविड-19 क्या है आपका, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है। और अगर हम बात करें तो जो आपका स्वाइन फ्लू है ये एक्चुअली H1N1 वायरस की वजह से होता है। इसको स्वाइन फ्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि डोमेस्टिक पिग होता है उसको हम कॉमनली स्वाइन ही बोलते हैं, इसलिए स्वाइन फ्लू है, ठीक। और वहीं अगर प्लाज्मोडियम फासीपैरम की बात कर लें तो ये जो है मलेरिया कॉज करता है, जो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। एनोफिलीज जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं उसके काटने से ये डिजीज होती है, ठीक है। और जब फालसीपैरम मलेरिया होता है तो बहुत खतरनाक होता है ये। साल्मोनेला टाइफाई की बात कर लें तो ये इन्फेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और ब्लड को, और इससे जो डिजीज़ होती है वो होता है आपका टाइफाइड फीवर। तो आप देखेंगे जो H1N1 वायरस है वो ही स्वाइन फ्लू कॉज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ए। 74 पे आते हैं, वैस्कुलर बंडल किसमें एबसेंट होता है, तो आप देखेंगे क्लियरली एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्लियरली जो होता है वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। पर जो टेरिडोफाइट्स हैं आप कह लीजिए, पहली बात तो जो आप फर्न्स में स्टील देखेंगे वो साइफोनो स्टील होता है, जहाँ पे जाइलम का रिंग होता है जो सराउंडेड रहता है कंटिन्यूस लेयर ऑफ फ्लोएम से। वहीं जो सीड प्लांट्स हैं, जैसे मेनली आपके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वहाँ पे वैस्कुलर बंडल होते हैं अलग अलग। तो वही सेगमेंट में जो रिंग था अभी वो सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया, तो डिस्क्रीट वैस्कुलर बंडल्स हो गए। तो आप देखेंगे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में ये वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, वो एक रिंग में साइफोनो स्टील बोलते हैं, और इनको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वाले को यू स्टील बोलते हैं। अब ये वैस्कुलर बंडल या तो रिंग में रह सकते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म और डाइकोटिलेडन्स में पाए जाते हैं, या तो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ऑल द अबव तो हो ही नहीं सकता। 75 पे आते हैं, नेम ऑफ द प्लांट हार्मोन डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये आपको प्लांट हार्मोन के बारे में आप पढ़ेंगे इथाइलिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में, तो आप देखेंगे जो इथाइलिन है इसकी वजह से जो होता है राइपनिंग होता है एडिबल फ्रूट्स का, ठीक। और जो राइपनिंग फ्रूट्स होते हैं वो भी इथाइलिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो नियर बाई फ्रूट्स रहते हैं वो भी जो होता है फ्रूट राइपन होने लगते हैं। तो इथाइलिन इज द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फूड। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ए। 76 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की अगर बात कर लेंगे तो जहाँ पे हम
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता करते हैं किसी एक पार्ट का, डीएनए के पार्ट का, और फिर उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस में काम देता है। इसको डेवलप किया था सर एलेक्स जाफरी ने 1985 में। और यहाँ पे आप देखेंगे, पहली बात तो सैंपल लिया जाता है, जैसे स्किन या हेयर, ब्लड सेल्स कहीं जहाँ पर डीएनए होते हैं वो सैंपल लिए जाते हैं। उसके बाद डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फिर इसमें रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जो RFLP टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ किया जाता है, ठीक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। और जो ये सर एलेक्स जेफरी हैं, उन्होंने भी RFLP टेक्निक का ही यूज़ किया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ए 77 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का लिस्ट देखेंगे तो बीटी ब्रिंजल, जहाँ पे बैसिलस थ्रोनजेंसिस का जीन गया हुआ है, क्राई प्रोटीन वाला जीन, वो भी ट्रांसजेनिक क्रॉप है। गोल्डन राइस में आपका बीटा कैरोटीन के लिए जीन गया हुआ है राइस में, वो भी ट्रांसजेनिक क्रॉप है। फाल्वर सावर टोमेटो जो है आपका, ये भी आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है। ओके, तो ये तीनों के तीनों जो हैं आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी 78 पे आते हैं। विच टेक्निक वर यूज फॉर क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ डीएनए इन प्लांट एक्सट्रैक्ट? आप क्या है, प्लांट एक्सट्रैक्ट या जो भी आप डीएनए निकालते हैं, डीएनए का एक्सट्रैक्शन करते हैं, आप ये देखते हैं कि आपका डीएनए का क्वालिटी सही है कि नहीं। जो जैसे आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, बहुत बार उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, तो वो काम लायक डीएनए नहीं रह जाता। तो हम उसका क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर प्रॉपर बैंड आपको आता है, इसका मतलब है आपका जो डीएनए है वो इंटैक्ट है, तो ये क्वालिटेटिव एस्टिमेशन हुआ। तो इसमें जो टेक्निक का हम यूज करते हैं वो है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी 79 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोनिंग वेक्टर इनकॉर्पोरेट्स हायर लेंथ ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट? तो ये कैपेसिटी पूछ रहा है कि कौन सा, बैक, यैक, फेजमिट, कॉसमिट, बहुत सारे और भी वेक्टर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिस्ट है पूरा टेबल में, प्लाज्मिट, लामडा फेज, कॉसमिट, फेजमिट, P1 फेज, पैक्स, बैक, यैक्स या हैक्स हो गए, ये सारे के सारे वेक्टर हैं। इसमें पूछा है हाईएस्ट लेंथ डीएनए फ्रैगमेंट कौन सा, कि कौन इनकॉर्पोरेट, अब किस में आप कर सकते हैं। जो ऑप्शन है आप देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन में दिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसकी कैपेसिटी है वो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम की है। बैक्टीरियल का आप देखेंगे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, बैक्स का तो ये लगभग 300 किलो बेस पेयर का इंसर्ट साइज इसमें आप डाल सकते हैं। ईस्ट का आप देखेंगे तो उससे ज़्यादा है, 200 to 2000 किलो बेस पेयर का। फेजमिट का आप देखेंगे तो फेजमिट का 10 किलो बेस पेयर का, और कॉस्मिट का लगभग आपका 33 to 45 किलो बेस पेयर का इंसर्ट। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम का है। तो हम जाएंगे इसके साथ, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी 80 पे चलते हैं। विच टेक्निक इज यूज टू रिड्यूस द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फॉलोइंग डिजायर्ड प्रोटोकॉल? कह रहे हैं इसमें से कौन सा टेक्निक है जिससे हम न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं किसी डीएनए में वो हम पता कर सकते हैं। तो ये डीएनए सीक्वेंसिंग है। डीएनए सीक्वेंसिंग जो है, इससे हम कोई भी डीएनए का पार्ट हो, उसमें जो जो बेसिस हैं उसको हम पहचान सकते हैं, तो डीएनए सीक्वेंसिंग के जरिए। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, बी डीएनए सीक्वेंसिंग। 81 पे चलते हैं। पूछा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसके थ्रू आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर या सस्पेंशन कल्चर? तो सस्पेंशन कल्चर एक टाइप का ये कल्चर है, जहाँ पे हम सिंगल सेल या स्मॉल एग्रीगेट ऑफ सेल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, सस्पेंडेड ही रहते हैं वो लिक्विड मीडियम में। इसे सेल कल्चर या सस्पेंशन कल्चर भी बोलते हैं। यहाँ पे हम जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट रहता है, उससे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेल कलॉइड्स एक्सेट्रा हो गए वो निकाल सकते हैं, और इंडस्ट्रियल स्केल पे ही भी निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए सेल सस्पेंशन कल्चर का हम जनरली यूज करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए। 82 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज सिंथेसाइज डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस इन विट्रो? कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसकी वजह से हम डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस का सिंथेसिस कर सकते हैं इन विट्रो। इन विट्रो टेक्निक का मतलब होता है लेबोरेटरी कंडीशन में। तो आप देखेंगे जेनेटिक प्रोफाइलिंग, साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन और जीन क्लोनिंग भी है, जहाँ पे हम डीएनए सिंथेसिस कराते हैं, आप समझ लीजिए, पर वो इन विवो कंडीशन है, मतलब हम किसी होस्ट के अंदर कराते हैं। इन विट्रो टेक्निक जो है आपका, वो है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR, जो डीएनए सिंथेसिस हम कराते हैं इन विट्रो, ठीक है, लैब कंडीशंस में। तो ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट, सी 83 पे आते हैं। द सी डीएनए क्लोन डिफर फ्रॉम जीनोमिक डीएनए क्लोन बाय? कह
कह रहा जो आपका सी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के क्लोन होते हैं वो जीने में डीएनए से कैसे डिफरेंट होते हैं, उसमें इंट्रॉन प्रेजेंस होता है सी डीएनए में या इंट्रॉन ऑप्शंस होता है या एग्जॉन प्रेजेंस होता है कि एब्सेंस ऑफ एग्जॉन। तो आप देखेंगे जो जीनोमिक डीएनए से जब सी डीएनए हम बनाते हैं, सी डीएनए का मतलब है जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है उसके हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना देते हैं, तब उसे हम सी डीएनए बोल देते हैं। अब जब सी डीएनए बना है आपको पता है वो मैसेंजर आरएनए से बना है, तो जो मेच्योर मैसेंजर आरएनए रहते हैं आपको पता है उसमें इंट्रॉन नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग में निकाल दिए जाते हैं। तो ये जो सी डीएनए क्लोन है आपका ये जीनोमिक डीएनए से डिफरेंट रहता है क्योंकि वहां पे इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी एब्सेंस ऑफ इंट्रॉन्स। 84 पे आते हैं, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द स्वेलिंग प्लांट प्रोटोप्लास्ट ऑन द सेल वॉल इज नोन एज, कह रहा है जब प्लांट का प्रोटोप्लास्ट सेल करता है स्वेल करता है और जो फोर्स अप्लाई करता है सेल वॉल पे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, सक्शन प्रेशर या नन ऑफ द अबव। तो जब आप किसी एक फ्लैक्सिस सेल को आप लेते हैं आप उसे प्योर वाटर में डालते हैं तो वाटर जो होता है वो बाहर से उस सेल के अंदर जाने लगता है और अंदर जाता रहता है और एक टाइम आता है जब उसका पूरा प्रोटोप्लास्ट फिल हो जाता है और वो सेल वॉल क्योंकि फिक्स उसका वॉल्यूम रहता है सेल वॉल का जो, तो वो उस पर प्रेशर डालने लगता है और इस प्रेशर को जो इंटरनल प्रेशर होता है सेल के अंदर से आ रहा है प्रेशर उसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं सेल को। तो करेक्ट सेल का तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी टर्गर प्रेशर। 85 पे आते हैं, द स्टोमेटा ओपन्स इन नाइट टाइम एंड क्लोज इन डी टाइम डे टाइम इन। तो ये आपको पता है कैम प्लांट जो हैं जो सकलेंस प्लांट होते हैं जिनमें कैसुलेशन एशियन मेटाबोलिज्म चलता है, ये इनमें यही खूबी होती है क्योंकि इनको पानी बचाना होता है वाटर कंजर्व करके रखना होता है, तो ये डे के टाइम पे जब हीट ज़्यादा रहती है उस टाइम पे अपना स्टोमेटा ओपन नहीं करते हैं, ये रात में जो होता है अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं जहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फिर इसको फिक्स करके रखते हैं मैलेट के फॉर्म में अपने वैक्यूल में, और दिन के टाइम पे जब लाइट होता है तब ये अपना स्टोमेटा क्लोज करे रहते हैं और CO2 तो है ही अंदर केवल वो उस समय लाइट का यूज़ करते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये कहाँ पे आपको मिलता है, कैम प्लांट में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 86 पे आते हैं हम, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है C3 प्लांट में वहाँ पे क्या प्रोडक्शन होता है, NADPH ATP, NADH ATP या ओनली NADPH या ओनली ATP। तो देखिए फास्फोरिलेशन फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को आप जेड स्कीम भी बोलते हैं, वो आपको पता है जेड स्कीम में दोनों फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड का। तो नॉन साइक्लिक वाले में आप देखेंगे जो वाटर का स्प्रिटिंग होता है ऑक्सीजन भी निकलता है और नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों बनते हैं, वहीं जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वहां पे आपका केवल और केवल ATP बनता है NADPH नहीं बनता क्योंकि NADPH को जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहिए वो वाटर स्प्रिटिंग के जरिए ही जाता है वहां पे और उसकी वाटर स्प्रिटिंग फोटोसिस्टम के पास होता है, फोटोसिस्टम सेकेंड का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे केवल और केवल क्या निकलता है आपका, ATP ही निकलता है साइक्लिक वाले में, नॉन साइक्लिक में दोनों निकलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ए। 87 पे आते हैं, कह रहा है हाउ मेनी नंबर ATP मॉलिक्यूल विल बी जनरेटेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द एरोबिक रेस्पिरेशन, कह रहा है अगर 1 मोल ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा आपके ग्लूकोज का, तब कितना आपको ATP मॉलिक्यूल मिलेगा। तो आप देखेंगे जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो वहां पे आप देखेंगे ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर वो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पाइरुवेट में, पाइरुवेट को फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है जहाँ पे NADPH2 भी निकलता है, साइटिक एसिड साइकिल में भी ATP, NADPH2, FADH2 ये सारी चीज़ें निकलती हैं। तो एक तरफ ATP तो निकल ही रहा है साथ में NADPH, FADH2 भी निकलता है जिनको बाद में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करा के उनसे भी ATP निकाल देते हैं। और जब आप पूरा नेट कैलकुलेट करेंगे इन सारे एनर्जी को ATP के फॉर्म में तो आप देखेंगे वहाँ पे 36 या 38 ATP निकलता है, तो ऑप्शन में यहाँ पे 38 दिया है तो हम जाएंगे 38 के साथ में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी 38। 88 पे आते हैं, कह रहा है फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन होता है वहाँ पे आर्किया और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो आप देखेंगे पहली बात तो दो किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन,
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर ऐसे सारी चीज़ें हैं वहाँ पे आप देखेंगे। फाइव किंगडम पहुँचते पहुँचते फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आपके पांच किंगडम थे, प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। और मोनेरा के अंदर ही आपकी आर्किया और बैक्टीरिया आते हैं, आर्चिया और यू बैक्टीरिया। और आर्चिया तो यहाँ पे दिया हुआ है तो मोनेरा के अंदर ही है। साथ में अगर आप नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ही होते हैं। साइनो बैक्टीरिया भी होते हैं जिन्हें एल्गी में रखा हुआ है, पर यहाँ पे एल्गी तो है नहीं। और अगर आप आर्किया की बात कर लें तो वो मोनेरा के अंदर ही है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी होते हैं, तो दोनों बैक्टीरिया और आर्किया मोनेरा के अंदर आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी। 89 पे आते हैं न्यूक्लियोसोम। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है न्यूक्लियोसोम। पहले जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोसोम बनता है, न्यूक्लियोसोम से सोलेनाइड, सोलेनाइड से क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से आपका क्रोमोसोम बनता है। तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है डीएनए का, जो माइटोसिस के टाइम पे आप मेटाफेज पे क्रोमोसोम देखते हैं ताकि उसका वो हो, होमोलॉगस क्रोमोसोम आराम से सेपरेट हो जाए या क्रोमेटिड आराम से सेपरेट हो जाए उसके डॉटर सेल में। इसलिए क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। और जिसमें पहला ही पार्ट होता है न्यूक्लियोसोम का बनना, वहाँ पे जो होता है हिस्टोन प्रोटीन आके लगते हैं डीएनए से, तो वहाँ पे कोर बनता है। और यहाँ पे कोर होता है और एक लिंकर डीएनए भी होता है। तो जो कोर होता है वहाँ पे आठ हिस्टोन प्रोटीन जोड़ते हैं, जो चार हिस्टोन प्रोटीन है आपके S2A, S2B, S3, ST4, इसी का डबल होता है आठ। ठीक है, तो सी वाला जो है आपका S2A, S2B, S3 और S4, इसी का डबल अमाउंट, मतलब टोटल मिला के आठ ये कोर में ही रहते हैं। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, सी। ओके, 90 पे आते हैं। कह रहा है जो साइकिलिंग होती है एलिमेंट्स का हमारे इकोसिस्टम में, उसे हम क्या बोलते हैं। तो जो एलिमेंट्स या कंपाउंड का जो न्यूट्रिएंट बनाते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं एयर में, वाटर में, सॉइल में, रॉक में, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे इकोसिस्टम में, हमारे बायोस्फीयर में। और इस साइकिल को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, बी, बायोजियोकेमिकल साइकिल। 91 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड टर्म सेल लाइन। कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है सेल लाइन को। तो एक्चुअली आप सेल लाइन के बारे में पढ़ेंगे तो ये कल्चर होते हैं एनिमल सेल के, दैट कैन बी प्रोपेगेटेड रिपीटेडली एंड समटाइम्स इनडिफिनेटली, दे आर अराइज फ्रॉम प्राइमरी सेल कल्चर्स। तो ये सब कल्चर्स होते हैं प्राइमरी कल्चर के, तो बी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 92 पे आते हैं। कह रहा है कौन सा हम एंजाइम यूज करते हैं पीसीआर बेस्ड जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो आप देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज और थर्ड नेरो फ्रेगमेंट, ये सब एंजाइम्स नहीं है जो पीसीआर में यूज हों। हम एक्चुअली टैग पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं। टैग पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है जो हम निकालते हैं थर्मस एक्वेटिकस, एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे जो पीसीआर का कंडीशन होता है वहाँ पे टेम्परेचर चेंज काफ़ी होता है, 50 से ले के 92-94 तक जाता है। तो अगर आप नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज का वहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो उतने हीट पे वो काम नहीं करते हैं, आपको बार बार उनका यूज़ करना पड़ता था। तो ये टैग पॉलीमरेज का डिस्कवरी हुआ जो थर्मोस्टेबल होते हैं इतने हाई टेम्परेचर पे, तो ये पीसीआर में हम टैग पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ए, टैग पॉलीमरेज। 93 पे आते हैं। रिजॉल्विंग पावर कह रहा है माइक्रोस्कोप का हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सीधा सा इसका आंसर, रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए यहाँ पे जब हम शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट का यूज़ करते हैं और जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है आपका वो बढ़ाते हैं, तब रिजॉल्विंग पावर जो होता है माइक्रोस्कोप का वो इंक्रीज होता है। तो शॉर्टर वेवलेंथ विथ इंक्रीजिंग द न्यूमेरिकल अपर्चर इज द करेक्ट आंसर। तो बी वाला ही इसका करेक्ट है, माइक्रोस्कोपी से आया हुआ क्वेश्चन है। 94 पे चलेंगे। कह रहा है बीर लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब जितना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे आप उतना एब्जॉर्बेंस कम होगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस, और नन ऑफ द अबो। तो आप देखेंगे लैम्बर्ट बीर लॉ में जो हम एब्जॉर्बेंस निकालते हैं, अगर आपने कभी लैब में काम किया होगा तो आप जितना कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं जो भी सोल्यूशन आपने रखा हो वहाँ पे उसका उतना एब्जॉर्बेंस ज़्यादा आता है। तो जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। 95 पे आते हैं। गार्डन ट्री में जो कॉइलिंग होती है टेंडल्स का अराउंड एनी सपोर्ट ड्यूरिंग लॉन्ग डे इज नोन एज, कह रहा है वो क्या कहलाता है। यहाँ पे लॉन्ग डे या शॉर्ट डे जो भी दिया है ये अलग चीज़ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बस आप ध्यान रखिए कि जो गार्डन पी में कॉइलिंग होती है, जो नॉर्मल प्लांट में जो टेंडल्स होते हैं
उनकी जो कॉलिंग होती है किसी फिजिकल सपोर्ट के, वो तो वो एक थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, द ग्रोथ रेस्पेक्ट टू द टच। ठीक है, जो टेंडेंस होते हैं जब किसी एक फिजिकल सपोर्ट को पकड़ते हैं तो वो वहाँ पे थिग्मोट्रोपिज्म होता है, जिसकी वजह से वो उसके अराउंड ग्रो करता है, रैप करता है उसके अराउंड। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी थिग्मोट्रोपिज्म। 96 पे आते हैं, कह रहा है एपोप्टोसिस से आप क्या समझते हैं। एपोप्टोसिस है एक्चुअली, देखिए एक सेल डेथ दो तरीके का हो सकता है, एक तो नॉर्मल इंजरी हुई सेल का डेथ हो गया, एक सेल अपना कंट्रोल्ड कंडीशन में सेल का डेथ कराता है, मतलब जिसको आप एक्चुअली प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। जैसे आपके फिंगर्स के बीच में जगह है, पहले नहीं होता, जब आपका डेवलपमेंट होता है तो पूरा का पूरा जगह फिल्ड रहता है। ये जो आपके फिंगर्स के बीच में स्पेसेस हैं, ये आपका जो बॉडी है वो वहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ कराता है, नहीं तो आपका वेबिंग आपको देखने को मिलता, वेब उसके बीच में जाले आपको देखने को मिलते। ठीक है, जैसे बैट, अच्छा चमगादड़ होता है उसका जो स्किन होता है, वैसे आपको स्किन उसमें देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रोग्राम सेल डेथ का ही नतीजा है। कंट्रोल्ड कंडीशंस में सेल का डेथ जो होता है बॉडी अपने आप करता है, जिसकी वजह से आपके फिंगर्स के बीच में स्पेसेस जनरेट होते हैं, ये एपोप्टोसिस ही है, जिसे प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। 97 पे आते हैं, कह रहा है गैस्ट्रेशन के टाइम पे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो रीऑर्गेनाइजेशन में जाता है, जहाँ पे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है, और मेनली आपको वहाँ पे अलग अलग लेयर देखने को मिलेंगे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कह रहा है इसमें से कौन सा लेयर होता है उनमें से जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट के लिए स्किन और नर्वस सिस्टम के लिए, इंडोडर्म, मीजोडर्म, इक्टोडर्म या ब्लास्टोडर्म। तो एक्चुअली जो ब्लास्टोमियर होते हैं उनमें ही ड्रामेटिक मूवमेंट होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है वहाँ पे। गैस्ट्रुलेशन में आपको तीन लेयर मिलेंगे, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। इक्टोडर्म जो होता है यही आपका प्रिकर्सर होता है एपिडर्मिस और नर्व का, एपिडर्मिस मतलब स्किन और नर्वस सिस्टम का आउटसाइड द एम्ब्रियो। इंडोडर्म आपका क्या बनाता है, गट की लाइनिंग बनाता है, इज ऑन द इनसाइड ऑफ द एम्ब्रियो। और मीजोडर्म क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, स्केलेटन, गोनेट्स, किडनी वगैरह बनाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्किन और नर्वस सिस्टम के लिए, तो आप जाएंगे एक्टोडर्म के साथ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। 98 पे आते हैं, द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर्स व्हेन, कह रहा है ग्रोथ कब होगा आप किसी ऑर्गेनिज्म का, जब एनाबोलिज्म हायर हो कैटाबोलिज्म से या एनाबोलिज्म लो हो कैटाबोलिज्म से। तो कैटाबोलिज्म का मतलब हो गया जैसे ब्रेकडाउन होना फूड का। तो अगर आपकी बॉडी में आप अगर जैसे एनाबोलिज्म कम हो रहा हो, एनाबोलिज्म का मतलब है स्टोर खाना कम हो रहा है आपकी बॉडी में, तो आपका ग्रोथ कम होगा। तो इसीलिए एनाबोलिज्म को हमेशा ज़्यादा होना होगा आपके कैटाबोलिज्म से। तो एनाबोलिज्म ज़्यादा होगा तो मतलब बायोसेंसिक पाथवेज ज़्यादा होंगी, कैटाबोलिज्म में ये डिग्रेडेटिव पाथवेज होती हैं। ठीक, तो एनाबोलिज्म इज हायर देन कैटाबोलिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन। 99 पे आते हैं, नेम द यूनिक साइटोकाइनिन प्रेजेंट इन द टेंडर कोकोनट मिल्क गिवनली, जो आप नारियल यूज़ करते हैं, कच्चा नारियल, कोकोनट मिल्क जहाँ पे आपको मिलता है, वो कह रहा है कौन सा उसमें साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इंडोल 3-एसिटिक एसिड, ये तो आपका ऑक्सिन है। अगर हम जिलेटिन की बात करें, ये भी साइटोकाइनिन नहीं है, ये जिलेटिन अलग होता है, ये प्रोटीन होता है जहाँ पे हम स्किन टेंडन या लिगामेंट को बॉयल करके इसको ऑप्टेन करते हैं। अगर 6-बेंजिल डिनाइन की बात करें, तो ये जो 6-बेंजिल डिनाइन है ये एक्चुअली आपके लिए जो भी एक्टिव साइटोकाइनिन है सभी का ये स्केलेटन है। और जो कोकोनट मिल्क में आपको एबंडेंटली मिलता है वो आपको क्या मिलता है, जिएटिन मिलता है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इन प्लांट सिस्टम वॉज डेवलप बाई, जो आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है ये किसने डेवलप किया था, तो ये स्नीथ एंड सोकल स्नोकल ने डेवलप किया था। आप इनका पेपर पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एक्चुअली बोलते हैं ग्रुपिंग बाय न्यूमेरिकल मेथड ऑफ टैक्सोनॉमिक यूनिट इनटू टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर स्टेट, द मेथड ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वॉज डेवलप्ड बाय स्नीथ एंड सोकल इन द पब्लिकेशन। उनका एक पब्लिकेशन था प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, 1963 में छपा था, फिर इसका अपडेटेड वर्जन आया पेपर किसमें, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी करके 1973 में। ओके, तो ये क्या है आपका, बी स्नीथ एंड सोकल, तो ये है आपका पार्ट बी का आंसर की। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लें टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन बी में, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोकेमिस्ट्री से पूछे गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी से और मॉलिकुलर बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, 11 11 10 करके। फिर
फिर साथ 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 करके आपके जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से आए हैं, फिर छः छः करके साइटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी से आए हैं। अगर हम कम बात करें तो प्लांट टैक्सोनॉमी से, इकोलॉजी से, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, इवोल्यूशन से और एनिमल फिजियोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारा आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपके क्वेश्चन का, किसके टॉपिक से आए हैं। आप अगर फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं तो इनके बेस पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये था आपका पूरा एनालिसिस, पूरा सीयू सेट। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको पार्ट बी के क्वेश्चन का सॉल्व कराया, पार्ट ए का मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कवर किया क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक। पेपर मॉडरेट ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो चलता हूँ मैं, होप कि आपको सारा एक्सप्लेनेशन, सारा कुछ चीज़ें समझ में आए होंगी, अच्छा लगा होगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई अगर मुझसे मिस्टेक हुई हो तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और तो आपसे मिलूँगा मैं अगले किसी वीडियो में आपके अपने चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।